हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू द वोकैबुलरी डेवलपमेंट। आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है यू। ये जो यू है ई यू, ये ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है वेल या गुड या प्लेजेंट। मतलब अगर किसी भी वर्ड में ये ई यू लगा होगा तो उसका सेंस जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से होगा, बहुत गुड से होगा, बहुत ही प्लेजेंट से होगा। तो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है यूलॉजी। यूलॉजी में देखिए दो रूट वर्ड है, पहला है ई यू, दूसरा एल ओ जी, लॉग। तो अगर कहीं भी लॉग लगा हो तो उसका सेंस होता है बोलने से, और ई यू मतलब अच्छा, हमने पढ़ाई। तो यूलॉजी मतलब अच्छा बोलना। यूलॉजी का जो मेन मीनिंग होती है वो होती है अ स्पीच दैट प्रेजेस समवन हु हैज़ डाइड। तो जब कोई जो व्यक्ति मर चुका है उसके बारे में जब कुछ अच्छा बोला जाता है तो जो स्पीच होती है उसको बोलते हैं यूलॉजी। अक्सर आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा जब किसी की डेथ हो जाती है तो कुछ लोग उसके परिवार वाले या फिर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं जो भी, वो खड़े होके एक स्पीच बोलते हैं, जिसमें उस स्पीच में क्या होता है, वो जो जिस जो व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई है उसके बारे में सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, उसके अच्छे काम होते हैं, उसकी गुड मेमोरीज होती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसको हम उस स्पीच को यूलॉजी बोलते हैं। यूलॉजी से रिलेटेड जो वर्ड हैं, इसके जो सिनोनिम्स हैं कह सकते हैं, उनमें से देखिए जो सबसे पहला वर्ड है एकोलेट। एकोलेट, एकोलेट का मतलब भी होता है शाबाशी, स्पीच ऑफ प्रेज हमने पढ़ा अभी, पैनीजायरिक। ये सारी जितने भी वर्ड्स हैं इसमें लिखे हुए हैं, ये तो खैर अपोजिट है, एंटोनिम है। बाकी जितने हैं इनको हम सिनोनिम बोल सकते हैं, जिनमें से मैं हर एक का मतलब बता रहा हूँ आपको। पैनीजायरिक, पैनीजायरिक का मतलब होता है गुणगान। इसको पी ए ई एन लिखा है, इसको पीन बोलते हैं। पीन का मतलब होता है विजय गीत। जब किसी चीज़ पे हम विक्ट्री पा जाते हैं उसके बाद जो कोई गाना होता है ना, तो उसको पीन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंकोमियम। इंकोमियम का मतलब भी क्या होता है, गुणगाथा या प्रशस्ति। अक्सर इसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक हिस्ट्री में एक एम्परर हुआ करता था समुद्रगुप्त, तो उसकी जो प्रशस्ति है वो एक प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है जो कि अलाहाबाद में है। उस प्रयाग प्रशस्ति में क्या है, ये एक्चुअली एक स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति। इसमें क्या है, जो समुद्रगुप्त राजा था, एम्परर था, उसके बारे में, उसकी विजयों के बारे में, उसने क्या क्या जीता, किन किन जगहों को जीता, क्या क्या अच्छे काम किए, उन सारी अच्छी चीज़ों को इसमें, उन चीज़ों का बखान किया गया है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये प्रशस्ति आप समझ गए, ये होता है इंकोमियम। ट्रिब्यूट हो गया, ट्रिब्यूट का मतलब हम जानते हैं, ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि होता है, किसी को ट्रिब्यूट देना। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल होता है क्या, प्रमाण पत्र कह सकते हैं। जब हम स्कूल वगैरह में होते हैं, स्कूल वगैरह से निकलते हैं ना, तो हमें एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या होता है, हम लिखा जाता है कि हमारा जो स्कूल के प्रति कैरेक्टर रहा वो कैसा रहा, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा या ना ख़राब रहा। तो अच्छा वाला से हम इसे रिलेट करते हैं, तो वो क्या होता है, जो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो होता है टेस्टिमोनियल। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी होता है किसी की सराहना करना, है ना, जब हम बाहर निकलते हैं कि कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है, स्मार्ट है ना, किसी चीज़ में अच्छा है, तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और क्या है, कमेंडेशन। कमेंडेशन का मतलब भी होता है सराहना करना। प्रेज़, प्रेज़ का मतलब भी होता है शाबाशी देना, उसकी सराहना करना। एक्लेम, एक्लेम का मतलब भी क्या होता है, तालियां बजाकर प्रशंसा करना या स्वागत करना। जब कोई आता है स्टेज वगैरह पे ना, तो हम लोग तालियां बजाकर उसका वेलकम करते हैं, तो वो एक्लेम होता है। एक्लेम से ही, एक्लेम ये एक्चुअली नाउन वर्ब है और इसका जो नाउन है वो होगा एक्लेमेशन। नेक्स्ट वर्ड है रेविंग। रेविंग का भी मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वेरी ग्रेट। रेविंग का मतलब होता है वेरी ग्रेट। होमेज, होमेज का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा। प्लॉडिट्स, प्लॉडिट्स का मतलब भी होता है शाबाशी। बुकी, ये बुकीज होते हैं ना, जब कोई आता है तो हम वो जो गुलदस्ते होते हैं फूल के उनको हम देते हैं, तो वो भी एक अच्छा, अच्छी चीज़ होती है बुके। एक्सटॉलमेंट, एक्सटॉलमेंट भी मतलब तारीफ होती है। लॉडेशन, लॉडेशन का मतलब भी होता है प्रशंसा या स्तुति। स्तुति से हम ये जान सकते हैं कि हम लोग बचपन में देखते रहे होंगे या अभी भी कभी कभी अगर देखते होंगे, तो जो कुछ ऐसे सीरियल्स आते हैं टीवी चैनल्स वगैरह पे जो देवों और देवियों से रिलेटेड होते हैं, तो उनकी जो उनके साधक होते हैं, जो उनकी पूजा करने वाले होते हैं, वो उनकी स्तुति करते हैं। तो स्तुति में जो करते हैं, स्तुति में क्या होता है,
वो बेसिकली जिस गॉड की पूजा कर रहे होते हैं, जिस गॉडेस की पूजा कर रहे होते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताते हैं कि हे देव तुम ऐसे हो, तुम सारे जहाँ के रखवाले हो, तुम्हारी ये तो वो होती है लॉडेशन, स्तुति, यूलॉजियम, यूलॉजियम भी यूलॉजी से बना है ना। तो और इसका जो अपोजिट वर्ड है अटैक, जैसे अभी ये जितने भी वर्ड्स हमने सीखे, देखिए सारी चीज़ें अच्छे से रिलेटेड था, सब कुछ अच्छा था, किसी को अच्छा देने के लिए, किसी के बारे में अच्छा बोलने के लिए। और उसका जस्ट अपोजिट क्या हुआ, अटैक। अटैक में क्या होता है, हम किसी के साथ बुरा करते हैं, अटैक करते हैं, हमला करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी यूलॉजी के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूफोनी। इसमें भी देखिए दो रूट वर्ड है, पहला तो है ईयू, दूसरा फोनी। किसी भी वर्ड में अगर फोनी लगा हो या ये बना है, जो पहली बात तो ये जो फोनी बना है, ये बना है फोनस रूट वर्ड से, जिसका मतलब होता है साउंड। और ईयू क्या हो गया, अच्छा। तो यूफोनी मतलब जो अच्छा सुनने में अच्छा लगे वो होता है यूफोनी, ये नाउन है। और इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा यूफोनीज। तो यूफोनी का मतलब जो सुनने में अच्छा लगे, सुनने में बहुत ही अच्छा लगे, वो होगा यूफोनी। फोनी से ही एक और रूट वर्ड है, एक और वर्ड है कह सकते हैं। जैसे देखिए हमने शायद आपको पहले भी पढ़ाया था, एक है, एक होता है कैकोफोनी, है ना। इसमें भी देखिए दो रूट वर्ड है, एक है कैको, दूसरा फोनी। फोनी का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड, और कैको मतलब होता है बुरा, बैड, है ना। तो कैकोफोनी का मतलब हुआ जो सुनने में बहुत ही बुरा लगे, बहुत ही बेकार लगे, भद्दा लगे, वो होता है कैकोफोनी। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है यूडोरा। यूडोरा बेसिकली क्या है, ये एक फेमिनिन नेम है, ये लड़कियों का नाम रखा जाता है, जिसका मतलब होता है अ गुड गिफ्ट। ये जो यूडोरा वर्ड है इसका मतलब होता है अ गुड गिफ्ट। लेकिन ये जो वर्ड है, ये जो यूज़ होता है वो कहाँ यूज़ होता है, जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, फेमिनाइन नेम होता है ये, है ना, लेडी नेम होता है, किसी बच्ची का नाम रखा जाता है, ये होता है यूडोरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूजेनिक्स। इसमें भी देखिए दो रूट वर्ड है, ई यू पहला, दूसरा जेनिक्स। जेनिक्स हम जानते हैं जीन से रिलेटेड है। तो यूजेनिक्स का मतलब होता है ए साइंस दैट ट्राइज टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेस बाई कंट्रोल ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है यूजेनिक्स में, कि जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं, ये साइंस किस चीज़ पे रिलेटेड है, ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि अपनी ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करने के लिए वो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करते हैं, कि कौन जो इसमें कौन सर्वाइव करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन अच्छी ब्रीड है, कौन खराब ब्रीड है। तो ये सब चीज़ें किस में, किस ब्रांच में होती है, यूजेनिक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूफेमिज़म। यूफेमिज़म जो है ये हमारा नाउन है, और इसका मतलब सिंपली होता है कि कठोर शब्दों की जगह अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। जैसे यहाँ पे जो इस पिक्चर में दिख रहा है कि एक बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है कि आई एम लेटिंग यू गो, ठीक है, आई एम लेटिंग यू गो। इसने बहुत ही आराम से बोला आई एम लेटिंग यू गो, मतलब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। लेकिन इसके माइंड में क्या था, ये बोल सकता था कि यू आर फायर्ड, ठीक है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये चीज़ सुनने में ज़्यादा बुरी है कि यू आर फायर्ड, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, तो ये सुनने में बहुत ही बुरा है। इसकी जगह पे इस बॉस ने क्या यूज़ किया कि आई एम लेटिंग यू गो, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग यू गो। ये बहुत ही काम था, बहुत ही अच्छे तरीके से था। ये जो एम्प्लॉय था, इसको हर्ट भी नहीं हुआ होगा, इसको हर्ट भी नहीं होगा, और ये इसको भी, खुद को भी हर्ट नहीं होगा। तो इसने क्या किया, ये जो कठोर शब्द था इसकी जगह इसने अच्छे शब्द का यूज़ किया। तो इसका जो इंग्लिश वर्जन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूफेमिज़म। नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड की जगह पहले हम इसका जो सिमिलर वर्ड्स हैं और इसके जो अपोजिट वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं। वो क्या है, जैसे सिमिलर में पोलाइट हो गया है ना, पोलाइट टर्म, बहुत ही पोलाइट होके। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, किसी एक की जगह दूसरी चीज़। तो इसमें क्या था, बुरे वर्ड की जगह अच्छा बोला इसमें। माइल्ड अल्टरनेटिव है ना, बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल। इनडायरेक्ट टर्म, अंडर प्लेइंग, सॉफ्टनिंग, पोलाइटनेस, जेंटिलियज़म, देखिए जेंटल से बना है ना। कॉय टर्म, इसका अपोजिट क्या है, डेफेमिज़म, मतलब बहुत ही बुरा बोलना। और एक ये है, ये हमारा इडियम फ्रेज है, कॉलिंग अ स्पेड, मतलब स्पेड तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम फ्लैश ऑफ कार्ड देखते हैं
जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो उसमें जो स्पेड होता है वो होता है हुकुम, है ना। तो कॉलिंग अ स्पेड स्पेड मतलब हुआ कि एक स्पेड को स्पेड ही बोलना। इस जो ईडियम का जो मेन मतलब हुआ वो ये होगा कि जो चीज़ जैसी है उसको हम वैसा ही बोल दें। मतलब अगर वो अगर बुरा है, गलत है, तो हम उसे गलत ही बोल देंगे। लेकिन इस ये अपोजिट क्यों है, क्योंकि उसमें क्या था कि जब कोई बुरी चीज़ कहने के अलावा हमने अच्छी चीज़ बोली थी यूफेमिज़म में, उसका अपोजिट हुआ कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। मतलब अगर वो बुरा है तो हम बुरा ही बोलेंगे, उसकी जगह अच्छा नहीं बोलेंगे। सो ये था हमारा यूफेमिज़म, और यूफेमिज़म से रिलेटेड उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूफोरिया। यूफोरिया देखिए नाउन है, और यूफोरिया का सिंपली मतलब होता है कि अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। मतलब ऐसी फीलिंग जिसमें हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो वो होता है यूफोरिया। इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब भी होता है परम आनंद, बहुत ही ज़्यादा खुश में हैं हम, बहुत ही ज़्यादा खुशी में हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। दूसरा वर्ड है एक्जिलरेशन। एक्जिलरेशन का मतलब भी होता है, हिंदी में कह सकते हैं हर्षोल्लास, बहुत ही ज़्यादा खुशी, है ना। और एक थर्ड इसका सिनोनिम्स है रैप्सडी। रैप्सडी का दो मतलब होता है, पहला तो ये होता है कि ये एक्चुअली एक रिटन या स्पोकन स्पीच होती है, जिसमें क्या होता है कि हम अपने बहुत ही जो हमारी जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से, किसी को प्रेज़ करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं वो पीस ऑफ राइटिंग या पीस ऑफ स्पीकिंग, वो होता है रैप्सडी। और इसका जो दूसरा मतलब होता है वो होता है ये एक पीस ऑफ म्यूज़िक होता है, जो कि जिसका मतलब क्या होता है, उस म्यूज़िक का क्या मकसद होता है कि उस म्यूज़िक जो म्यूज़िक होती है वो फुल ऑफ इमोशंस होती है। उस वो म्यूज़िक इरेगुलर फॉर्म में होती है, बेसिकली उसका कोई रेगुलर फॉर्म नहीं होता, बट जो म्यूज़िक होती है उसके पीछे बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, तो वो होती है रैप्सडी। इससे रिलेटेड एक मूवी भी आई थी बोहीमियन रैप्सडी करके, हालांकि मैंने देखी नहीं है बट मेरे को याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, रैप्सडी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूपेप्सिया। यूपेप्सिया मतलब इसमें भी देखिए दो रूट वर्ड है, यू और पेप्सिया। पेप्सिया को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोगों की जब डाइजेशन ख़राब होता है तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इनो, जनरली जो इंडियन लोग होते हैं वो इनो प्रेफर करते हैं। तो जब पेट में गैस वगैरह बनती है, डाइजेशन होता है, तो क्या करते हैं, इनो पीते हैं। इनो होता कैसा है, जैसे हमारी पेप्सी नहीं होती है उसमें वो होती है सोडा टाइप की, तो वो भी वैसा ही होता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि यू पेप्सिया, गुड डाइजेशन, एब्सेंस ऑफ इनडाइजेशन, मतलब डाइजेशन जो है हमारा अच्छा है, ख़राब नहीं है, ये हो गया यूपेप्सिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूथनेसिया। ये जो रूट वर्ड, ये जो वर्ड है हमारा यूथनेसिया, ये बहुत ही चर्चित वर्ड रहा है पिछले कुछ सालों में। इसका जो मतलब होता है, ये बेसिकली पहले तो एक नाउन है, इसका जो मतलब होता है वो होता है कि इच्छा मृत्यु, अगर हिंदी में बोलते हैं इच्छा मृत्यु। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जिसका इलाज संभव नहीं होता है ना। वो कंफर्म हो जाता है कि ये अब बच नहीं पाएगा, इसका इलाज संभव नहीं है, ये अब जो इसको जो पेन हो रही है पेन के साथ ही जिएगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव होता है यूथनेसिया। यूथनेसिया में क्या होता है, जब वो व्यक्ति उस पेन को सफ़र नहीं कर पाता है, वो जीने की एकदम से जो चाह होती है वो छोड़ देता है, तो एक ऐसे मुकाम पे खड़ा आ जाता है कि उसको अब लगता है कि मुझे अब भगवान मौत दे दे, मैं अब मर जाना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि ये जो यूथनेसिया होती है इसको इच्छा मृत्यु बोलते हैं। ये जो यूथनेसिया होता है ये प्रॉपर एक कमेटी होती है, इसकी बनाई जाती है, इसमें हर एक डॉक्टर्स की सहमति होती है। तो इसमें क्या होता है, इसके जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट की जो फैमिली होती है, फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है, पेशेंट की भी इसमें राय होती है, पेशेंट की भी सहमति होती है। उसके बाद क्या होता है, उस पेशेंट को उसके दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए क्या किया जाता है, उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है। वो किस चीज़ का इंजेक्शन होता है, उस इंजेक्शन लगाने के बाद वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ये होता है यूथनेसिया, मतलब उसको उस पेन से बचाने के लिए, उस असहनीय दर्द से बचाने के लिए उसको मौत दे दी गई। ये होता है हमारा यूथनेसिया। मर्सी किलिंग बोलते हैं, मर्सी किलिंग मतलब दया वाली मौत। अगर उसके ऊपर हमने दया करके उसकी डेथ कर दी तो वो हो गया मर्सी किलिंग, मतलब यूथनेसिया। असिस्टेड सुसाइड। असिस्टेड सुसाइड क्यों हुआ कि देखिए, एक तो असिस्टेड था, मतलब लोगों की साथ, है ना, डॉक्टर से मिलके या उसके फैमिली वगैरह सारे मिलके, और सुसाइड मतलब
सुसाइड मतलब आप जानते ही हैं, तो असिस्टेड सुसाइड मतलब लोगों के साथ सहमति से उसने सुसाइड किया, और है फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, मर्सीफुल रिलीज। मर्सीफुल रिलीज मतलब दया की भाव से उसको आज़ाद कर दिया, रिलीज़ कर दिया, वो इस दर्द से मुक्त हो गया, हैप्पी रिलीज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूरेका। यूरेका जो होता है ये एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है, मतलब इंटरजेक्शन वर्ड है, जैसे हम होता ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो ये वर्ड बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में ये वर्ड निकलता है, वो होता है यूरेका। यूरेका यूरेका का सिंपली यही मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूडेमोनिज्म। यूडेमोनिज्म है हमारा नेक्स्ट वर्ड। और इसके पहले एक यूडेमोनिज्म से याद आया, मैं एक और वर्ड बता देता हूँ, यूडेमन, ई यू और होता है डी ई एम ओ एन, यूडेमन। इसमें भी देखिए ई यू, ई यू है गुड और डी ई एम ओ एन, डेमन मतलब स्पिरिट, बैड स्पिरिट जिसको बोलते हैं ना, स्पिरिट जो होती है आत्मा, भूत जिसको बोलते हैं, तो यूडेमन मतलब अच्छी स्पिरिट, अच्छा भूत है वो, तो वो होता है यूडेमन। अब हम ये देख लेते हैं यूडेमोनिज्म, इसमें था ई यू डी ई एम ओ एन, इसमें है ई यू डी ए ई एम, तो ये यूडेमन से डिफरेंट है। तो यूडेमोनिज्म का मतलब होता है सिंपली अ थ्योरी दैट द हाईएस्ट एथिकल गोल इज़ हैप्पीनेस एंड पर्सनल वेलबींग। ये एक ऐसी थ्योरी होती है जिसमें यह ऐसा माना जाता है कि जो हमारी ज़िंदगी का जो मेन मकसद है वो खुशी होनी चाहिए और पर्सनल वेलबींग, मतलब जो हमारा मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का वो ये होना चाहिए कि हम जो हैं स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें, हमारे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो होता है यूडेमोनिज्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूओस्मिया। यूओस्मिया भी देखिए ई यू है तो गुड से रिलेटेड होगा, तो यूओस्मिया का मतलब होता है अ प्लेजेंट स्मेल, बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली जो खुशबू है वो होती है यूओस्मिया। नेक्स्ट वर्ड है यूडियोमीटर। यूडियोमीटर जो जनरली क्या होता है, ये एक लेबोरेटरी का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किस में यूज़ होता है कि मेजर्स द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर फॉलोइंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज। ये यूज़ होता है गैस मिक्सचर को मेजर करने के लिए, उसमें क्या फिजिकल चेंजेस हुए हैं, क्या केमिकल चेंजेस हुए हैं, ये गैस के मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है यूडियोमीटर। इसका एक और भी यूज़ होता है एयर की क्वालिटी को नापने के लिए कि हवा कितनी अच्छी है, उसके लिए भी यूज़ होता है ये यूडियोमीटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईयूमॉर्फिज्म। इसमें देखिए ई यू इसमें भी ये गुड और मॉर्फिज्म शेप से रिलेटेड होता है। मॉर्फिज्म अगर कहीं हो मॉर्फिक तो वो शेप से सेंस होगा, तो यूमॉर्फिज्म मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल फॉर्म ऑफ सेल, मतलब जो सेल होती हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, उनकी जो नेचुरल फॉर्म है, उनकी जो शेप है, शेप साइज, उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, वो ख़राब ना हो, वो अच्छी रहे, हमेशा अच्छी बनी रहे, ख़राब ना हो, वो होती है यूमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आज के जितने भी वर्ड थे हमारे यू से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।